Good morning students, welcome back to the e-learning platform of the GS College of Commerce. आज हम अपने वीडियो लेक्चर में लागत के सिद्धांत इस चैप्टर को डील करने वाले हैं। इसके भी पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है लागत के सिद्धांत इस चैप्टर में जो विभिन्न प्रकार की लागतें हैं उन आस्पेक्ट्स को देख चुके हैं, जिसमें हमने जो है मुद्रा लागत, उसी प्रकार से आपका स्पष्ट लागत तथा व्यर्थ लागत जो है ये दोनों आस्पेक्ट्स हमने देखे थे। जैसा कि इससे पहले की वीडियो लेक्चर मैंने कहा था कि जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसे हम अवसर लागत कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ठीक है, तो आज चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर में इसी चीज़ को हम डील करते हैं कि अवसर लागत क्या है। अवसर लागत की जब हम बात करते हैं तो अवसर लागत को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे जो है वैकल्पिक लागत भी कहते हैं या हस्तांतरण आय या हस्तांतरण लागत भी कहते हैं। ठीक है, हस्तांतरण आय ट्रांसफर अर्निंग, ठीक है, और हस्तांतरण लागत ट्रांसफर कॉस्ट भी कहा जाता है। जहाँ तक हम अवसर लागत की बात करते हैं तो अवसर लागत जो है ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स में। विभिन्न जो प्रकार की थियोरीज हैं, विभिन्न प्रकार की जो थियोरीज हैं उसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज भी होता है, उसका उपयोग भी होता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर लगान का आधुनिक सिद्धांत की बात करें तो लगान का आधुनिक सिद्धांत जो है उसमें इस अवसर लागत को या फिर हम उसे वहाँ पर हस्तांतरण आय के रूप में उसे देखा गया है, उस चीज़ को वहाँ पर काफ़ी हद तक का फोकस किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम कि अवसर लागत क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो हमारे संसाधन हैं वो संसाधन कैसे हैं, सीमित हैं, और ये जो सीमित संसाधन है इन सीमित संसाधनों के वैकल्पिक यूज और वैकल्पिक उपयोग संभव है। हर सीमित संसाधन दूसरे चीज़ के लिए उपयोग में होता है। जैसा कि यदि हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति के पास यदि 500 रुपये हैं तो वो 500 रुपये को वो विभिन्न रूप में खर्च कर सकता है। वो 500 रुपये से वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे सकता है, वो 500 रुपये से वो अपने बुक्स खरीद सकता है, वो 500 रुपये से वो जो है पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल भरा सकता है। तो ये क्या है, 500 रुपये के वैकल्पिक यूज संभव। चलिए उसी तरीके से हम जब बात करते हैं कि भाई आपका अवसर लागत की, तो अवसर लागत में हम जैसा बेसिकली यही होता है कि बहुत से जो संसाधन है उन संसाधनों के वैकल्पिक यूज संभव है। तो मैंने भी आपको 500 रुपये का एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि एक पीस ऑफ लैंड है, प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, आपका 5000 स्क्वायर फीट का ज़मीन का टुकड़ा है, तो वो 5000 स्क्वायर फीट का जो ज़मीन का टुकड़ा है उसके भी वैकल्पिक रूप संभव है, वैकल्पिक उपयोग संभव है। वैकल्पिक उपयोग कौन कौन से संभव है कि वहाँ पर हम जो है शॉप्स डाल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है रेजिडेंशियल फ्लैट्स बना सकते हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल फ्लैट्स के लिए बिल्डिंग बना सकते हैं। उसी प्रकार से वहाँ पर जो है हम एक छोटा सा ग्राउंड के रूप में भी उसको उपयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली बात यही है, उसको वेयर हाउस के रूप में भी बनाया, वेयर हाउस के रूप में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। तो बात यही है कि जो संसाधन होते हैं वो संसाधन कैसे रहते हैं, सीमित रहते हैं, और इन संसाधनों के जो है अल्टरनेटिव यूज, वैकल्पिक उपयोग संभव है। लेकिन जब हम किसी एक संसाधन को एक पर्टिकुलर उपयोग में लेकर आते हैं तो उसके जो दूसरे उपयोग हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाते, वो संभव नहीं हो पाते। यदि हमने कहा, जैसा मैंने आपसे कहा कि अब वो जो प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, ज़मीन का जो टुकड़ा है उसको यदि वहाँ पर वेयर हाउस बना दिया तो वेयर हाउस बनाने के बाद वहाँ पर जो है रेजिडेंशियल फ्लैट्स नहीं बन पाएंगे, उसी प्रकार से रेजिडेंशियल फ्लैट्स नहीं बन पाएंगे, साथ ही साथ ना ही वहाँ पर जो है छोटा सा प्ले ग्राउंड रह पाएगा, ना ही उसका जो दूसरा उपयोग है वो संभव हो पाएगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर। तो बात यही है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब एक संसाधन का उपयोग करते हैं तो उससे जो उस संसाधन के जो दूसरे उपयोग संभव है वो पॉसिबल नहीं हो पाते। बस यही चीज़ को जो है हम इसको अवसर लागत के रूप में देखते हैं, और अवसर लागत के रूप में इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं, जब हम अवसर लागत की बात करते हैं तो अवसर लागत को दो दृष्टिकोण से स्टडी किया जा सकता है, दो दृष्टिकोण से अर्थशास्त्रियों ने रिप्रेजेंट किया है। एक है आपका वास्तविक लागत के रूप में और दूसरा है मुद्रा के रूप में, वास्तविक लागत के रूप में और मुद्रा के रूप में। वास्तविक लागत के रूप में इसका उपयोग किस प्रकार से, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि भाई एक जो एक व्यक्ति है वो किसी प्रकार का उत्पादन कर रहा है, ठीक है, किसी प्रकार का उत्पादन कर रहा है, मतलब टेक्निकल एग्जांपल कि जो एक कारपेंटर है जो कि एक विशेष समय में, ठीक है, या दिन भर के समय में और विशेष लागत पर जो है वो एक टेबल बना सकता है या फिर उसी लागत में वो जो है दो चेयर बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक टेबल की या दो चेयर की, तो एक टेबल जो है उसकी अवसर लागत क्या है, दो चेयर है, या दो चेयर की अवसर लागत क्या है, एक टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम इसी कॉन्सेप्ट के रूप में इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अवसर लागत की जब हम बात करते हैं तो अवसर लागत जो है वो दो दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं, पहला है वास्तविक लागत के रूप में और दूसरा है मुद्रा के रूप में, ठीक है। मुद्रा के रूप में यदि हम बात करते हैं तो मुद्रा के रूप में वास्तविक लागत को बेनहम ने किस प्रकार से परिभाषित किया है, ये जो आपको परिभाषा दी गई है बेनहम की परिभाषा है, बेनहम ने क्या कहा है अवसर लागत के बारे में मुद्रा के रूप में। मुद्रा की वह मात्रा जो कि कोई एक इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है उसे ही हस्तांतरण आय कहते हैं, ठीक है। तो यदि मुद्रा की वह मात्रा जो कि कोई एक इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है, मैंने अभी आपसे पहले कहा, अभी से थोड़ी देर पहले ही कहा, जो संसाधन है सीमित है और ये जो सीमित संसाधन है ये अपने क्या रखते हैं, वैकल्पिक प्रयोग रखते हैं, वैकल्पिक उपयोग रखते हैं, ठीक है। तो मुद्रा की वह मात्रा जो कि कोई एक इकाई अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग, सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग जो सबसे अच्छा और सबसे ऊँचे स्तर का जो वैकल्पिक प्रयोग है उसमें प्राप्त कर सकती है उसे ही हम हस्तांतरण आय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, यदि एक मजदूर है, ठीक है, वो मजदूर खेती का काम कर रहा है, ठीक है, और खेती के काम में उसको दिन भर में जो मजदूरी मिलती है वो उसे ₹500 मिलती है, ठीक है। वहीं पर वो यदि शहर जाकर किसी फैक्ट्री को ज्वाइन करता है और उस फैक्ट्री में यदि उसको क्या मिल रहा है, ₹700 प्रति डे के हिसाब से मजदूरी मिल रही है, तो वो बट नेचुरल है, वो जो बेस्ट उसके पास ऑप्शन है, वो बेस्ट ऑप्शन में उसके पास क्या है, दो ऑप्शंस यहाँ पर है, वो गांव में खेतीबाड़ी में काम करते हुए ₹500 कमाए या फिर शहर में जो है किसी कारखाने में काम कर कर ₹700 कमाए। तो बट नेचुरल है एक व्यक्ति जो है वो ₹700 वाले ऑप्शन को प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू ₹500, ठीक है, ₹500 के विकल्प के उसमें। तो बेसिकली यही है कि वो जब ₹700 की जॉब कर रहा है तो उसकी हस्तांतरण आय जो है, ट्रांसफर अर्निंग, या फिर आपकी जो आपका वैकल्पिक कॉस्ट है, वैकल्पिक कॉस्ट या फिर हम जो है वैकल्पिक लागत या फिर अवसर लागत है, तो वो अवसर लागत क्या है, ₹500 है। और ये ₹500 की वैकल्पिक लागत कहाँ पर हो रही है, ये किसके इसमें हो रही है कि भाई वो ₹700 कमाने के लिए ₹500 की जो अर्निंग है जो गाँव में उसे मिल रही थी उसको वो क्या कर रहा है, फॉरगॉन कर रहा है, ठीक है, उसे वो त्याग रहा है, तब जाकर उसे वो ₹700 वाली जॉब संभव हो पा रही है। तो ये जो है यहाँ पर ये चीज़ किसके रूप में दिखाई गई है, यहाँ पर ये चीज़ जो है मुद्रा के रूप में स्पष्ट की गई है, ठीक है। मुद्रा के रूप में जब ये स्पष्ट की गई है तो इसे हम अवसर लागत इसके रूप में कहते हैं, मुद्रा के रूप में वास्तविक लागत के रूप में, वास्तविक लागत के रूप में। अभी जैसे मैंने आपसे आपको एग्जाम्पल दिया कि एक टेबल और दो चेयर, उसी प्रकार से यदि एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, खेती कर रहे हैं, खेती का टुकड़ा है, ठीक है, ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर खेती की जा रही है,
वो अब खेती का ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें खेती की जा रही है, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत सारे विकल्प जो है अवेलेबल हैं कि भाई यहाँ पर हम गेहूँ भी उगा सकते हैं, यहाँ पर हम चावल भी उगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जौ की भी खेती हो सकती है, दालें भी उगाई जा सकती हैं, विभिन्न प्रकार के विकल्प हैं, लेकिन एक ही वक्त में ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। तो आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को, एक बेस्ट विकल्प को चुनने के लिए दूसरे विकल्पों को क्या करना होगा, फॉरगॉन करना पड़ेगा, उन्हें त्यागना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अभी जैसे कि है कि गेहूं का उपयोग, गेहूं का उत्पादन और गेहूं की खेती, गेहूं की कृषि उस ज़मीन पर की जा रही है, तो 100 क्विंटल अनाज गेहूं जो है वहाँ पर 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन वहाँ पर होता है, वहीं पर 150 क्विंटल जौ का उत्पादन भी संभव है। लेकिन जब वो गेहूं का उत्पादन वहाँ पर किया जा रहा है तो 150 क्विंटल की जो उत्पादन है जौ का, उसे क्या करना है, त्यागना है, तभी जाकर 100 क्विंटल का गेहूं उत्पादित होगा। तो ये जो 150 क्विंटल जौ के उत्पादन को छोड़कर 100 क्विंटल के उत्पादन को अपनाया गया है गेहूं के, तो यहाँ पर जो 150 क्विंटल जौ के उत्पादन की कॉस्ट है वही आपकी क्या है, वास्तविक लागत है, और वास्तविक लागत के रूप में अवसर लागत है, ठीक है। तो अवसर लागत को मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण से पढ़ा जाता है, दो दृष्टिकोण से देखा जाता है, एक है वास्तविक लागत के रूप में और दूसरा है मुद्रण के रूप में, ठीक है। अब जब हम अवसर लागत की बात करते हैं तो अवसर लागत की अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, अवसर लागत की व्याख्या वास्तविक लागत के रूप में और मुद्रा के रूप में की जा सकती है, दोनों ही दृष्टिकोण से अवसर लागत को हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो वास्तविक अवसर लागत है, इन अवसर लागत का उपयोग सभी प्रकार के उद्योगों में संभव है, ठीक है, सभी प्रकार के उद्योगों में संभव है और समान रूप से ये लागू भी होता है, सभी प्रकार के साधनों तथा सभी प्रकार के उद्योगों पर समान रूप से लागू होता है। जब हम अवसर लागत को मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है, और अवसर लागत के सिद्धांत को, अवसर लागत के कॉन्सेप्ट को जब हम मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसमें ये दोनों ही चीज़ों का समावेश होता है। ये दोनों चीज़ें कौन सी हैं, आपकी व्यक्त स्पष्ट लागतें तथा व्यक्त लागतें, ठीक है, जिसे हमने कल देखा था एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ों का मुद्रा के रूप में जो है, मुद्रा के रूप में जब हम अवसर लागत कहते हैं तो दोनों ही चीज़ों का उसमें समावेश होता है, ठीक है। जहाँ तक इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी की बात है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका अवसर लागत का सिद्धांत, अवसर लागत का कॉन्सेप्ट है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है बहुत सारे विभिन्न इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को बनाते वक्त जो है इसको कंसिडर किया जाता है। जैसे मैंने आपसे पहले ही आपसे कहा कि यदि हम लगान का मॉडर्न सिद्धांत है, ठीक है, आधुनिक सिद्धांत है, उसका आधार ये अवसर लागत ही है, ठीक है। उसी प्रकार से विभिन्न उपयोगों में, विभिन्न चीज़ों में और विभिन्न इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स में इसका उपयोग होता है। जहाँ तक अगर इसकी हम लिमिटेशंस की बात करें, तो यहाँ पर लिमिटेशंस ये है कि भाई जो है इसमें जो आपका कुछ मान्यताएँ हैं, जिसमें से एक जो है परफेक्ट कंपटीशन को आधार मानकर जो है इस कॉन्सेप्ट को व्यक्त किया गया है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है संभव नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन जो है संभव नहीं है, इन द सेंस वो रियलिटी में देखने को नहीं मिलता है। तो वो चीज़ें जो है इसका जो जिस प्रकार की मान्यताओं पर ये आधारित है, वो वहाँ पर मान्यताएँ जो है वो अपनी मान्यताएँ जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, जिसको बहुत से लोगों ने और बहुत से अर्थशास्त्रियों ने क्रिटिसाइज भी किया है। तो ये हो गया आपका अवसर लागत, ठीक है। इसके बाद हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपना रियल कॉस्ट जो है, वास्तविक लागत जो है, उस एस्पेक्ट को देखेंगे, साथ ही साथ दूसरे जो अन्य कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें आपका औसत लागत है, उसी प्रकार से आपका परिवर्तनशील लागत है, ठीक है, स्थिर लागत है, ये सारे एस्पेक्ट, कुल लागत है, उन एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे। थैंक यू।